नीला समंदर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसके अंदर की दुनिया बहुत ही विशाल है। इस दुनिया में कई जीव रहते हैं, इनमें से कई बेहद ही छोटे और खूबसूरत हैं, तो कई बेहद ही विशाल और खतरनाक हैं। ये चाहे मगरमच्छ हो या फिर शार्क, वेल या फिर पिराना। आपने खतरनाक शार्क या पिराना मछलियों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बहुत ही खतरनाक होती है। दरअसल पानी के अंदर कई ऐसी मछलियां हैं जो न सिर्फ आपके लिए जानलेवा हो सकती है, बल्कि ये मछलियां आदमी तक को भी खा जाती है। आज हम आपको पानी के इन मॉन्स्टर के बारे में बताएंगे जो है बेहद ही खतरनाक। द नेट क्रैकर, ये मछली दुनिया की अत्यंत दुर्लभ मछलियों में से एक है और बहुत ही खतरनाक होती है। कई जगह इन्हें पेशू भी कहा जाता है। बता दें कि इस मछली के मुंह में दांत है जो हूबहू इंसानों की तरह है। पूरी तरह से विकसित एक पेशू मछली करीब 4 फीट लंबी होती है। ये ब्राजील के अलावा पेरिस, स्कैंडिनेविया और ओशियन में पाई जाती है। हालांकि इन जगहों के अलावा भी कई नदियों में इसके मिलने की खबर आती रही है। नेट क्रैकर मछली जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां तैराकों को जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शार्क मछली का नाम सुनते ही उसके खंखार जबड़े हमारे सामने आ जाते हैं। आपको बता दें, आज तक शार्क के काटने से काफी मौतें हुई हैं। हर साल शार्क से काटे जाने की लगभग 50 घटनाएं रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही जानलेवा साबित होती है। इनके दांत किसी आरी जैसे पहने होते हैं। कोंगो टाइगर फिश, इस प्रकार की मछलियां अफ्रीका देश में पाई जाती है। इस देश की कोंगो नदी में ये मछली ऐसी जगह पर मिलती है जिस जगह पर कम ही लोग पहुंचते हैं। ये मछलियां पिराना से जुड़े होने के चलते पानी में मगरमच्छ को भी आसानी से खा जाती है। ये मछलियां इंसान का भी शिकार करने में माहिर होती है। इनके दांत धारदार और लंबे होते हैं। इनका वजन 450 किलो से अधिक भी होता है। सोफिश, इस मछली की लंबाई 7 फीट से 20 फीट तक होती है। इनको कम ही लोग देख पाते हैं। साथ ही ये मछलियां समुन्द्र की गहराई में पाई जाती हैं और ये बेहद ही खतरनाक मानी जाती है। ये नेट में भी नहीं पकड़ी जाती है। इनके फंस जाने की स्थिति में फिशरमैन इनको मार देते हैं। इनका भार 317 किलो तक पाया गया है। डीमन फिश, दुनिया की सबसे खतरनाक मछली मानी जाती है डीमन फिश। ये बड़े से बड़े जीवों को भी निगल जाती है। ये अफ्रीका की कांगो रिवर में पाई जाती है। लॉन्ग नोज गार, ये मछलियां अमेरिका की लेक चैम्पलन में भी पाई जाती है। इनका अस्तित्व बेहद ही पुराना है। इनका मुंह एक मगरमच्छ की तरह होता है। अमेरिका के अंदर इस मछली को क्रोकोडाइल गार के नाम से भी पहचाना जाता है। इसका भार 136 किलो तक होता है। क्यूंसलैंड ग्रुपर, ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन नदी में इस मछली को देखा जा सकता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये मछली अपना सेक्स बदल सकती है। बहुत सारी मादा मछलियों के बीच में एक नर ग्रुपर होता है। जब वह नर इनके समूह से हटता है तो समूह की सबसे बड़ी मछली अपने सेक्स को चेंज कर नर बन जाती है। वेल्स कैटफिश, ये मछली यूरोप में पाई जाती है। ये मछलियां अपने घरों के बचाव के लिए काफी सख्त होती है। अगर कोई तैरते हुए इनके घरों के पास पहुंच जाए तो ये उन्हें जरूर काटती है। अपने छोटे दांतों से भी ये जोरदार तरीके से काटती है। पिराना, दुनिया में दैत्य के नाम से मशहूर पिराना नाम की मछली मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। इस मछली के तीखे दांत और मजबूत जबड़े अपने दुश्मनों को पस्त करने में सहायक होते हैं। वर्तमान में इस मछली के 40 से 50 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। पिराना मछली को भी आदमखोर जीवों में शुमार किया जाता है। कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर ये मछली इंसानी हड्डी तक चबा सकती है। पफर फिश, पानी में तो किसी सामान्य मछली की ही तरह तैरती है, लेकिन जैसे ही उसे पानी से बाहर निकाला जाता है उसका आकार बदल जाता है और वह गेंद की तरह गोल हो जाती है। मजेदार बात यह है कि जैसे ही इसे दोबारा पानी में डाला जाता है ये फिर मछली बन जाती है और किसी भी सामान्य मछली की तरह तैरने लगती है। इस मछली की खतरनाक बात यह है कि ये मछली जहरीली होती है और इसका जहर मौत का कारण भी हो सकता है। वाइपर फिश, समुन्द्र में लगभग 2000 मीटर की गहराई में रहने वाली ये मछली अपने सेंसर से भोजन की तलाश करती है। इतनी गहराई में बिना सूर्य की रोशनी के ये अपनी ज्ञान इंद्रियों के तेजी से शिकार करती है।
जो इसे खतरनाक बनाता है। स्टोन फिश, ये मछली समुंदर की दुनिया में काफी रहस्यमयी मानी जाती है। इस मछली के 13 स्पाइंस होते हैं और सभी जहर से भरे होते हैं। इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि एक बूंद जहर ही हजारों लोगों को खत्म कर सकता है। इस मछली से गोताखोर भी इतना ज्यादा डरते हैं कि समुंदर में गोता लगाने से पहले इस मछली से बचने के लिए ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। इलेक्ट्रिक इल फिश, इस मछली के नाम के आगे इलेक्ट्रिक इसलिए लगा है क्योंकि ये मछली करंट मारती है। इनका करंट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर ये किसी इंसान को अपना करंट मार दे तो उसका हार्ट फेल हो जाता है और अगर उसे सही समय पर हॉस्पिटल नहीं ले गए तो उसकी मौत भी हो जाएगी। ये मछली दक्षिण अमेरिका नदियों में सबसे ज्यादा पाई जाती है।